बड़े से मुर्गी के बच्चे और खड़ूस सास। एक गांव में अनसुईया और कस्तूरी नाम के दो सास बहू रहते थे। कस्तूरी बहुत अच्छी औरत थी, भोली थी। सास उसे जितना भी परेशान करे वो उल्टा जवाब नहीं देती थी, लेकिन अनसुईया बहुत ही खड़ूस थी। वो हर छोटी छोटी बात पर अपनी बहू को डांटती रहती थी। एक दिन कस्तूरी अपने हाथ में कॉफी का कप लेकर अपने सास के पास आई। सासुमा, कॉफी, ऐसा बोलकर उसने उसे कॉफी का कप दिया। उस कप को लेकर अनसुईया बोली, अरे सॉसर कहाँ है? कप के साथ सॉसर देते हैं, क्या तुझे ये भी नहीं पता? सास को इज्जत देना नहीं आता तुझे? सॉरी सासुमा, अभी लेकर आती हूँ। तो फिर इसे कौन पकड़ेगा? तेरे आने तक क्या मैं इसे ओलंपिक के लाइट की तरह हाथ में पकड़कर खड़ी रहूं? इसे भी ले जा, उसने कहा। कस्तूरी ने कप भी ले ली और अंदर चली गई। वापस वो सॉसर और कप दोनों लेकर आई। ये लीजिए सासुमा, उसने फिर से दिया। थोड़ा कॉफी पीकर बोली, अरे ये क्या है? कॉफी है सासुमा। हाँ पता है, सॉसर में कप और कप में कॉफी होना ही काफी है क्या? कॉफी को गर्म भी तो होना चाहिए, ये तो एकदम ठंडी हो गई है। इस तरह चिल्लाकर वो सीधे वो कॉफी कस्तूरी के चेहरे पे मार देती है। गरम गरम कॉफी चेहरे पर गिरने की वजह से कस्तूरी, आह जल रहा है सासुमा। अच्छा जल रहा है, कहाँ जल गया? ज्यादा नाटक किया ना तो तुझे चूल्हे में फेंक दूंगी, जा अंदर जाकर नाश्ता बनाकर लेके आ। इस तरह चिल्लाकर अनसुईया अपने कमरे में चली जाती है। कस्तूरी रोते रोते रसोई में जाती है। इस तरह हर दिन किसी न किसी तरह अनसुईया कस्तूरी को रुलाती ही रहती है। एक दिन कस्तूरी जब बरामदे में बैठी थी तो कहीं से दो छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर कस्तूरी बोलती है, अरे वाह ये मुर्गियाँ तो कितनी प्यारी है, छोटी छोटी सी मुर्गियाँ, पता नहीं कहाँ से आ गई, शायद इसकी माँ इन्हें ढूंढ रही होगी। ऐसा सोचकर वो आसपास देखती है, लेकिन उसे कहीं पर भी उन मुर्गियों की माँ नहीं मिलती। तब कस्तूरी, लगता है इन बेचारी मुर्गी के बच्चों की माँ को कोई कुत्ता उठा के ले गया होगा, अब मैं ही इन्हें पाल लूंगी। ऐसा सोचकर वो इन दोनों मुर्गी के बच्चों को अपने घर के अंदर ले आई। घर में घुसते ही अनसुईया ने कस्तूरी के हाथ में इन मुर्गी के बच्चों को देखकर बोला, अरे क्या है वो, कहाँ से उठा लाई? अरे नहीं नहीं सासुमा, मैं इन्हें उठाकर नहीं लाई, बेचारी इनकी माँ को कोई जानवर उठाकर ले गया, ये रास्ता भटककर हमारे घर में आ गए, आज से मैं ही इन्हें पालूंगी सासुमा। इस घर में तू ही बेकार पड़ी रहती है, ऊपर से ये दो मुर्गी किस लिए? चल कोई बात नहीं, इस बार के लिए मैं तुझे माफ करती हूँ, और हाँ उन मुर्गियों को मेरी नजरों से दूर रखकर कहीं पालना, समझी? ऐसा बोलकर वो बाहर के लिए चली गई। उस दिन से कस्तूरी उन दोनों छोटे से मुर्गी के बच्चों को पालने लगी। वो मुर्गी के बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनमें से एक मुर्गी थी और एक मुर्गा। कस्तूरी ने उन दोनों के बड़े प्यार से नाम भी रखे थे। मुर्गे का नाम रखा भीम और मुर्गी का सत्यभामा रखा। एक दिन जब वो उन दोनों मुर्गियों को दाना डाल रही थी तब अनसुईया वहाँ आकर बोली, अरे घर में एक सास बेचारी पड़ी हुई है, उसकी सेवा करने का तो तुझे मन ही नहीं करता, जब देखो तब इन मुर्गियों के साथ पड़ी रहती है। हाँ अरे आपको क्या चाहिए सासुमा, बताइए ना, मैं अभी कर देती हूँ। जा जाकर मेरे लिए खाने के लिए कुछ ला, इस तरह वो जोर से बोलती है। कस्तूरी उठकर जल्दी जल्दी रसोई में जाती है। अनसुईया वहीं पे रखे मुर्गियों को देखकर सोचती है, जब कस्तूरी इन्हें लाई थी तो छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन अब तो इतने बड़े हो गए हैं कि एक बार का खाना खा सकें। एक दो महीने रुककर इनसे सब्जी बना लूंगी, इस तरह अनसुईया मन में सोचती है। लेकिन कस्तूरी उन दोनों मुर्गियों को बड़े प्यार से देखभाल करती है। वो मुर्गियाँ भी कस्तूरी की काफी मदद किया करती थी। वो जहाँ कहीं भी होती थी कस्तूरी की आवाज सुनते ही वो उड़ते उड़ते उसके गोद में आ गिरती थी। इस तरह वो मुर्गियाँ बढ़ते बढ़ते एक साधारण मुर्गी से भी काफी बड़े बड़े हो गए। एक दिन जब कस्तूरी उन मुर्गियों को पानी दे रही थी तो अनसुईया वहाँ आकर बोली, अरे फिर से उन मुर्गियों के साथ ही पड़ी है,
पता नहीं कहां से आ गई ये मुर्गियां। चिकन शॉप वाले को बुलवा कर कल सुबह इन मुर्गियों को टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। oh, no. और उसके बाद तेरी ऐसी पिटाई लगाऊंगी कि तू चुपचाप कोने में बैठी रहेगी। इस बात को सुनते ही दोनों मुर्गियां अचानक उड़कर आईं और अनसुईया को काटने लगी। दर्द के मारे अनसुईया चिल्लाने लगी, अरे बाबरे, बचाओ बचाओ, आह लगता है ये मुझे मार डालेंगे, आह बचाओ बचाओ। इस तरह वो चिल्लाने लगी। अपनी सास के दुख को देखकर कस्तूरी उन मुर्गियों से बोलती है, भीम सतीभामा यहाँ आओ। इस तरह वो बुलाती है, बस और क्या। उसके बुलाते ही दोनों मुर्गियाँ पीछे हट जाती हैं। ये देखकर अनसुईया बोलती है, मैंने जब सेवा करने को बोला तो तुम मुर्गियों से मुझे कटवा दिया। बताती हूँ, आज तुझे और उन दोनों मुर्गियों से इस घर से भगा ना दिया ना, तो मेरा नाम भी अनसुईया नहीं। ये बात सुनते ही दोनों मुर्गियाँ फिर से काटने के लिए आगे बढ़ी। ये देखकर अनसुईया बोली, अरे बापरे। ऐसा बोलकर वो अंदर भाग गई। शाम को जब उसका बेटा कुमार घर आया, बेटा देख तेरी बीवी मुझे लगता है मार डालेगी। इस तरह वो सारा दोष अपनी बहू पर डालकर अपने बेटे से बताती है। सारी बात सुनकर कुमार को बहुत गुस्सा आता है और कस्तूरी को बुलवाकर बोलता है, क्यों रे, मेरी माँ को तूने उन मुर्गियों से कटवा दिया, क्या ये सच है? नहीं नहीं, मैंने उन्हें काटने के लिए नहीं बोला जी, सासू माँ मुझे दुख दे रही है ये देखकर, उन मुर्गियों ने अपने आप उन्हें काटा है जी। क्या बोलती है, मुर्गियों को मनुष्य के दुखों का भी पता चलता है क्या? अच्छा तो मैं भी एक बार देखता हूँ। माँ उसे तुमने जो भी गालियाँ बोली थी अब फिर से वही बोल। अरे बेटा मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, उसी ने उन मुर्गियों को मेरे पास भेजा था काटने के लिए। लेकिन माँ अगर तुमने कुछ कहा नहीं होगा तो वो मुर्गियाँ क्यों आके काटने लगेंगी? सच सच बताओ तुमने क्या कहा? उसके बेटे ने जोर से पूछा। कोई रास्ता नहीं बचा तो अनसुईया ने उस वक्त कस्तूरी को जो भी गालियाँ बोली थी वही सब गालियाँ फिर से बोलती है। फिर से गालियाँ सुनते ही वहाँ पे खड़ी दोनों मुर्गियाँ अचानक से फिर से अनसुईया के ऊपर टूट पड़ती हैं और उसे काटना शुरू करती हैं। ये देखकर उसका बेटा कुमार बोलता है, देखा माँ तुमने, तुम्हारे कारनामे उन बेचारे मुर्गियों को भी पसंद नहीं आ रहे। कम से कम आज से अपनी बहू को अपनी बेटी के समान देखो, उसने कहा। ये सुनकर अनसुईया, देखूंगी बेटा, आज से तेरी पत्नी को अपनी खुद की बेटी की तरह पालूंगी, तू जरा इन मुर्गियों को तो रोक। उसकी ये बात सुनते ही दोनों मुर्गी अपने आप ही काटना बंद कर देते हैं। तब जाकर अनसुईया चैन की सांस लेती है और उस दिन से कस्तूरी को अपनी बेटी के समान लाड प्यार से देखती है और कस्तूरी उन दोनों मुर्गियों को बड़े प्यार से पालने लगती है। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।